हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट लाइफ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अपना 100 डेज का बॉर्डर पैटर्न का कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आज उसमें जो है 12th डे है हम अपने बॉर्डर पैटर्न्स को सीखते हुए। सो आज की वीडियो में हम लोग एक नया बॉर्डर पैटर्न सीखेंगे। मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से। तो नॉर्मल आपको पेपर यूज़ करना है, वहाँ पर मैं नॉर्मल पेन यूज़ कर रही हूँ राइटिंग के लिए, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। आप लोग कोई भी पेन पेंसिल जो है यूज़ कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच प्रीवियस वीडियो उसको इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, सो थैंक यू फॉर दैट। आज का पैटर्न हम लोग देखते हैं, सिंपल पैटर्न है आज का, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पैटर्न भी नहीं है। जस्ट सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दो लाइंस ड्रॉ करनी है। तो एक तो थिन लाइंस ड्रॉ करनी है और दूसरी बात बहुत ज़्यादा जो है डिस्टेंस पे लाइन को ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं कि लाइंस तो ड्रॉ कर देते हैं लेकिन एक तो थिक लाइंस और फिर इतना डिस्टेंस पर ड्रॉ कर देते हैं तो वो फिर एक अलग पैटर्न का लुक ले लेता है। सबसे पहले तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, इतना डिस्टेंस रखिए कि यहाँ पे बीच में आप जो कुछ भी जो है एलिमेंट्स यूज़ करेंगे ड्राइंग के, कोई भी शेप बनाएंगे तो वो आसानी से बन जाए। इतना ज़्यादा भी डिस्टेंस मत दे देना कि वो बन ही नहीं पाए, फिर आपका पूरा लुक ही ख़राब हो जाए। इस तरीके से ये हो गए दो लाइन इस तरीके से। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले आप लोग सर्कल, मैं तो यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, तो यहाँ पे लोटस पैटर्न ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इस तरीके से सर्कल पैटर्न। अब जो हमारे सेंटर की जगह ये कुछ खाली जगह बच गई है, इसको आप लोग थोड़ा सा डार्क कीजिए, या फिर ये भी ये जो लाइन है बिल्कुल लास्ट में हमने जब इसको कवर कर दिया लास्ट में ही है जो है बची हुई है, तो यहाँ पे फिर आप लोग जो है थिक सी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको सेंटर से डिवाइड कर लीजिए। अब सेंटर में जो है अगर आपको इसको स्पेस अच्छा देना है तो फिर आप लोग जो है यहाँ पर थिक लाइन ड्रॉ करें, बहुत थिक सी लाइन आप लोग ड्रॉ करें। उसके बाद आप लोग जो है इस तरीके से दो ट्राइंगल्स का लुक, ट्राइंगल लुक। उसके बाद आप लोग जो है इस तरीके से इसको जो है, अब यहां पर भी जो है हमारे पास जगह बच गई है, इस तरीके से जो आवर ग्लास टाइप होता है इसको आप ऐसे कवर कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरा हाथ थोड़ा सा शेक कर रहा है यहाँ पे बीच में, नहीं तो लाइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेट ही बनती हैं। जब भी लाइंस को बनाए स्ट्रेट बनाने की कोशिश करें। इस तरीके से आप जो है यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से ये पैटर्न। अब जैसे यहाँ पे आप लोगों को जो है बिल्कुल इसको जो है प्लेन नहीं रखना है, इसमें आपको और भी जो है इंट्रिकेट डिटेल्स चाहिए, मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया, जस्ट सिंपली एक एक साइड पर इस तरीके से शेडिंग कर दीजिए, या जो है इसमें बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स दीजिए, क्योंकि जो भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी पेंटिंग्स बनती है, अवार्ड विनिंग पेंटिंग्स बनती है, उनमें जो मेन ऑब्जेक्ट रहता है वो तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है, लेकिन उसके साथ जो उसमें डिटेल सेट करती है वो यही बारीक चीज़ें होती है। बहुत बारीक तरीके से हम लोग अगर किसी भी जो है आर्ट वर्क या मास्टर पीस की बात करें, इसी तरीके से बनते हैं। जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो तो हाईलाइट होता ही, लेकिन उसके साथ जो उसका बैकग्राउंड होता है, जैसे यहाँ पर हम बात करें इसके बैकग्राउंड तो जैसे नहीं, अगर हम इसको बाद में किसी बैकग्राउंड में यूज़ करेंगे तो इतने फाइन ब्रशेस से हम इसको बनाएंगे कि समझ ही में नहीं आएगा। इस तरीके से कोई भी आर्टवर्क को जो है बनाया जाता है। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर आपको दूसरे तरीके से जो है मैं कहूँ ड्रॉ करना है, ठीक है, यहाँ पर हमने ट्राइंगल्स का यूज़ किया, यहाँ पर हम सर्कल का यूज़ कर लेंगे, सर्कुलर पैटर्न। ओनली सर्कल्स का यूज़ कर सकते हैं,
अब अगर इसमें हमें जो है बैलेंस को बिठाना है तो किस तरीके से, एक सर्कल को कलर करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे कलर, यहाँ पे एक एक शेडिंग कर देंगे इसको, नहीं यहाँ पर जो हम इसको शेडिंग कर देंगे, जब शेड करना होता है यहाँ पे मैंने आपको एक बेसिक उस पर बता दिया, पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए। यहाँ पे अगर सिक्स पेटल्स या सिक्स सर्कल्स बन रहे हैं तो फिर उससे ज़्यादा मत बनाए, उससे क्या आपका एक बैलेंस बना रहेगा किसको हमें शेड करना और किसको नहीं। सेम यहाँ पे अगर हमने इनको यहाँ पे इस सर्कल को शेड किया तो सेंटर से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से ड्राइंग में जो है बैलेंस बिठाया जाता है, जो ड्राइंग के प्रिंसिपल्स होते हैं उनमें बैलेंस का बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो वो मैं आपको किसी ने समझाऊंगी, क्योंकि अभी पैटर्न मेकिंग जो है उसमें इतने ज़्यादा उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत आएगी तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। इस तरीके से अगर ये नहीं है तो फिर सिंपल लाइन्स स्केच इस तरीके से आप लोग यूज़ कीजिए। तो बस यही थी आज की वीडियो में बॉर्डर पैटर्न से रिलेटेड, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।